नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको शिव और सती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव जी से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। दक्ष प्रजापति अपने आप को शिव जी से बड़ा मानते थे, इसलिए उन्होंने सती की बात नहीं मानी। शिव और सती ने दक्ष प्रजापति की इच्छा के बिना आपस में विवाह कर लिया। दक्ष प्रजापति को इस बात का बड़ा बुरा लगा और उन्होंने शिव जी को क्षमा ना करने का प्रण ले लिया। एक दिन एक समारोह में दक्ष प्रजापति के सामने खड़े होकर भगवान शिव ने उसे प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को अपना बहुत अपमान महसूस हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया और शिव को छोड़कर सारे देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। सती को ये बात बहुत बुरी लगी। वो अपने पिता से मिलने पहुंची और तभी सती के सामने दक्ष प्रजापति ने शिव का बहुत अपमान किया, शिव जी को बहुत बुरा भला कहा। शिव जी की अवहेलना, शिव जी की बुराई सती सह नहीं पाई और सती ने यज्ञ कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। पत्नी के यज्ञ कुंड में कूद जाने पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। चारों तरफ विनाश की लीलाएं प्रारंभ हो गई। अब शिव जी को रोकने वाला कोई नहीं था। शिव जी पार्वती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे। उनके जो जो अंग जहां गिरे वहां सती के अंगों से वहां की धरती पवित्र हो गई और वहां पर सती की याद में आज भी जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि सती के शरीर के अंग वहां गिरे थे। इस सारी घटना को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति की ओर से उनसे माफी मांगी। शिव मान तो गए लेकिन दक्ष को शाप दे दिया कि उनका सिर हमेशा बकरी का रहेगा। इसके बाद में सती ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म होकर शिव जी को अपनाया। दोस्तों शिव भगवान और माँ पार्वती की ये कहानी हमें सारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। उनकी लीलाओं को समझना आसान नहीं है। शिव जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रारूप में, किस परिस्थिति में क्या करते हैं वो ही जानते हैं। तभी ये धरती, तभी ये ब्रह्मांड स्थिर है और अपने अपने कामों पर लगा हुआ है। शिव जी के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस ब्रह्मांड के रचयिता वही हैं, इस सृष्टि के रचयिता वही हैं और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें। जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान भोलेनाथ।